हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्रा यूट्यूब चैनल। में यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। केंद्रीय विद्यालय शिक्षक भर्ती नई विज्ञापन जारी हुई है। आयु योग्यता चयन प्रक्रिया देख लेंगे। इसमें 18 से लेकर 65 ईयर्स तक के एलिजिबल कैंडिडेट और इंटरेस्टेड कैंडिडेट एप्लीकेशन कर सकते हैं। बिना परीक्षा शिक्षक बनने का ये गोल्डन चांस है, सुनहरा मौका है। एग्जाम नहीं होनी है, सिर्फ जो है इंटरव्यू कंडक्ट होगी और उसके हिसाब से रिजल्ट भी इसके इमीडिएटली जारी कर दिए जाएंगे, मतलब तुरंत ही रिजल्ट भी जारी कर दिए जाएंगे। बाकी की सभी डिटेल्स आगे वीडियो में चेक कर लेते हैं। इसमें जो इंटरव्यू की डिटेल्स है वो इस तरीके से है कि 17 जुलाई 2023 को रजिस्ट्रेशन होगी और उसी दिन इंटरव्यू होगी। डेट ऑफ इंटरव्यू 17 जुलाई को ही इंटरव्यू होगी। इसके बाद रिजल्ट डिक्लेयर कर दिए जाएंगे 28 जुलाई को ऑफिशियल वेबसाइट पर स्कूल के। इसमें क्या क्या वैकेंसीज है ये देख लेते हैं। पीजीटी मैथमेटिक्स के लिए वैकेंसी है, पीजीटी केमिस्ट्री, पीजीटी इकोनॉमिक्स एंड पीजीटी कॉमर्स के लिए। इसके बाद ट्रेन ग्रेजुएट टीचर इंग्लिश के लिए, ट्रेन ग्रेजुएट टीचर हिंदी, टीजीटी मैथ्स, टीजीटी सोशल साइंस की वैकेंसी है। करियर काउंसलर की भी वैकेंसी है और बाल वाटिका टीचर जो इंट्रोड्यूस हुए हैं कई सारे स्कूल्स में, उनकी भी वैकेंसीज हैं। ये फिलहाल जो है कॉन्ट्रैक्ट की वैकेंसीज हैं। पीजीटी, टीजीटी, करियर काउंसलर, पीआरटी तो लिखा है बट पीआरटी की वैकेंसी तो नहीं है। और स्पेशल एजुकेटर 27,500 पीजीटी के लिए फिक्स सैलरी रहती है। इसके बाद बाकी सभी की सैलरी भी यहाँ पर मेंशन की हुई है। कॉन्ट्रैक्ट की वैकेंसीज हैं 18 to 65 ईयर्स, 18 से 65 साल तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। ये नोटिफिकेशन रिलीज हुई है केंद्रीय विद्यालय खुर्दा रोड से। खुर्दा रोड ओडिशा स्टेट में है, ओडिशा राज्य में है। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट चेक कर लेते हैं एक बार। ये ऑफिशियल वेबसाइट है केंद्रीय विद्यालय खुर्दा रोड भुवनेश्वर, जो कि ओडिशा में। इसके अनाउंसमेंट सेक्शन में आपको आना है और यहीं पर आपको मिल जाते हैं कॉन्ट्रेक्चुअल अपॉइंटमेंट एलिजिबिलिटी। 6 जुलाई की डेट से यह अपडेट किया हुआ है और जैसे मैंने आपको बताया कि 17 जुलाई को ही रजिस्ट्रेशन होगी 11 बजे से, और उसी दिन इंटरव्यू होगी और 28 जुलाई को रिजल्ट डिक्लेयर कर दिए जाएंगे। मतलब पैनल बना लिया जाता है, फिर पैनल से ही रिक्वायरमेंट के हिसाब से टीचर्स को इनवाइट किया जाता है ज्वाइनिंग के लिए। इसमें कोई एग्जाम नहीं होनी होती है, सिर्फ जो है इंटरव्यू में आपको जाना होता है। इसमें क्या लिखा है, कैंडिडेट्स आर रिक्वेस्टेड टू ब्रिंग हार्ड कॉपी ऑफ सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज ऑफ देयर टेस्टिमोनियल। टेस्टिमोनियल मतलब 10th ऑनवर्ड्स जितने भी पासिंग सर्टिफिकेट है, मार्कशीट है, उन सब की फोटो कॉपीज आप कैरी करें। सेल्फ अटेस्ट मतलब उन सब पे सिग्नेचर अपने कर लें। और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट कैरी करने को कहा गया, ओरिजिनल कलर प्रिंट आउट कैरी करने चाहिए मेरे हिसाब से जहां कॉन्ट्रैक्ट की वैकेंसीज है, क्योंकि मिसप्लेस अगर हो गए तो। इसके लिए पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ और ड्यूली फिल्ड बायोडेटा फॉर्मेट देख लेते हैं। बायोडेटा फॉर्मेट दी हुई है नीचे, तो ये बायोडेटा फॉर्मेट है, ये फिल कर लेना है। फोटो कॉपीज लेने, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ लेना है और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट कैरी करने हैं। ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक के लिए आप मेरे से यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कर लें, नीचे तक स्क्रॉल डाउन करके लिंक आपको अवेलेबल मिल जाएंगे।